हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल योर वंशिता। तो आज मैं बहुत टाइम बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ। ब्लॉग ले रही हूँ आज पूरा, और कुछ स्पेशल है आज, इसलिए मैं ब्लॉग भी शूट कर रही हूँ। तो बने रहना। और बहुत लोगों ने मुझे बहुत सारे कमेंट किए थे कि आप ये बनाओ, ये कंटेंट लो, ऐसे लो। तो थैंक यू सो मच मुझे इतने सारे आइडिया देने के लिए। और कुछ ऐसे अच्छा आइडिया आपने दिया है, मैं उसको ज़रूर अप्लाई करूँगी अपने आने वाले ब्लॉग्स में। तो बने रहना साथ में। और अभी सुबह उठते ही मैं फ्रेशन अप हो चुकी हूँ और मैंने जोश से उठी हूँ। और मुझे ऐसे है कि आज मैं ब्लॉग बनाऊँगी अच्छी तरीके से, पहले की तरह। मम्मी भी घर पे है तो सब कुछ थोड़ा सा भी ठीक है, नॉर्मल है। और अभी दिखाती हूँ कि एक जन क्या कर। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि क्लास 12 का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, तो मेरी बहन क्लास 12 में है और उसका एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। एंड वाट शी इज़ डूइंग इज़ मतलब होता ना, क्या बोलते उसको, कुछ भी कर रही है, कुछ भी। अभी सुबह सुबह उठ के वो गाना चला के डांस कर रही थी, कल आके ऐसे कूद रही थी जैसे क्या क्या हो गया। मैं फीलिंग समझ सकती हूँ, जब मेरा भी एग्जाम खत्म हुआ था तो मैं भी बहुत एक्साइटेड थी। बट ये मैंने नहीं किया था, तो मैं दिखाती हूँ क्या कर रही है। दिखाओ अपना हाथ, दिखाओ, हंसो मत। बहुत अच्छा नहीं लगा है, बट काम चलाने के लिए ठीक है। हाँ, बहुत सुंदर लगाई हो तो गुंजन, कपड़ा में भी लगा लियो पूरा काला काला। कहाँ पे लगा, हम दिखाएंगे ना। कपड़ा में पूरा लगाई हो काला काला। गाइस, आप लोगों ने देख लिया कि ये क्या कर रही है। ये मेहंदी लगा रही है, मेहंदी को मतलब फालतू, मतलब मेहंदी रखा हुआ था तो इसको लगा कि मैं फालतू अपने हाथ में लगा के थोड़ा सा इसको ख़त्म कर लेती हूँ। तो ठीक है, अभी मैं जाऊँगी नाश्ता करने और बने रहना ब्लॉग में, बिकॉज कुछ अच्छा है आज के ब्लॉग में। मैं मिलवाती दीदी से, बहुत टाइम बाद मैं सबसे मिलवाऊँगी आज। दीदू जी, क्या कर रही हो? सिस्टू, पेपर चेक करने जस्ट बैठी। मैं आज, मैं बहुत टाइम बाद ब्लॉग बना रही हूँ। बहुत दिनों बाद, क्योंकि अभी फिलहाल घर पे मम्मी भी आ गई है और आज मैं दीदी कहीं जाने वाली हूँ। टुडे इज माय डेट नाइट। तुमने बताया कि मैं तुमको सरप्राइज देने वाली हूँ। हाँ, दीदी मेरे को कुछ सरप्राइज देने वाली है। दीदी मेरे को कहीं पे लेके जाने वाली है, ऐसा सरप्राइज मुझे बताऊंगी कि मैं उसको लेकर कहाँ जाने वाली हूँ। कल मुझे पता चला, कल ये जब मैं ब्लॉग एंड कर रही थी ना, तो मेरे को बोली एंड किया कुछ, मतलब बाहर से आई ना, तब मैंने इसको बोला की मैं तुमको कल, जिस दिन मेरा छुट्टी रहे मैं उसको कहीं उस दिन लेकर जाने वाली हूँ। कहाँ लेके जाने वाली मेरे को सच में नहीं पता, मैं अभी बताऊंगी भी नहीं। मैं उससे मतलब ना लेकर चली जाऊंगी, उसके बाद उसको पता चलेगा कि मैं उसको कहाँ लेके जा रही हूँ। जो भी है सरप्राइज है, तो आप लोगों को भी सरप्राइज है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स, मैंने उनको लिखने के लिए दिया था, ये डायरी राइटिंग था और पैराग्राफ है, उल्टा पुल्टा जो मन में आया है वो लोग वो लिख कर भरे इसमें। कोई ना दीदी, अपना काम खत्म कर लो। और आज मेरा है डेट नाइट, मैं आज जाने वाली डेट नाइट। डेट नाइट क्या होता है? मतलब डेट नाइट मतलब रात को डेट पे जाने वाली, उसको बोलते डेट नाइट। किसके साथ, किसे पूछना? समवन स्पेशल। इतना मेरे को क्वेश्चन आया था ना, आपका बॉयफ्रेंड कौन है, बॉयफ्रेंड कौन है, बॉयफ्रेंड तो कोई नहीं है। अब मैं सोच रही हूँ कि अब मुझे डेट नाइट पे जाके देखना, मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहिए। जाओ बनाओ, मैं आ रही हूँ पीछे से। दीदी आएगी मेरे को मारने वाला, बहुत तुमको बॉयफ्रेंड बनाना है, तुमको डेट नाइट पे जाना है। पर मैं जाऊँगी डेट नाइट पे और आप लोग बने रहना, तो थोड़ा सा खुद तो ग्रूमिंग करूंगी मैं आज। सर्दी से शक्ल सूरत पूरा खराब है, मतलब अच्छी लग रही है। राहुल भैया नहीं है ना, तो दीदी को थोड़ा सा और अच्छे तो लग रहे हैं। ठीक है, कैसा कर रही हूँ तो लग रहा है। ठीक है, लेट्स गो, थोड़ा ग्रूमिंग करते, अपने आप को थोड़ा सा ठीक करते और आज डेट पे जाएंगे। तो किसके साथ कहाँ जाएंगे वो आप लोग को ब्लॉग पूरा देखोगे तो पता चलते रहेगा। बीच बीच में कुछ गैप मत छोड़ना, मतलब ऐसे स्किप मत करना, तो बने रहना। सो गाइज, मैं बोलना भूल गई कि मैं अभी जिम जा रही हूँ, बिकॉज शाम को मेरे को डेट पे जाना है। तो शाम को डेट पे जाना है इसलिए मैं अभी जिम जा रही हूँ, क्योंकि जिम मिस नहीं करना। कल भी मतलब नहीं गई थी, कल छुट्टी रहता जिम का, कल मैं जिम नहीं गई थी। तो आज सोच रही हूँ आज जिम चल जाती हूँ और वर्कआउट कर लेती हूँ, थोड़ा सा कंप्लीट कर लेती। आज तो प्रॉब्लम होगा, फर्स्ट टाइम मैं सुबह के टाइम पे जा रही हूँ, तो चल जाती हूँ और शाम को जाना है डेट पे। तो कहाँ जाऊँगी आप लोग देखना, ठीक है? तो चलते हैं जिम और फिर मिलते हैं। तो गाइस, मैं जिम से निकल गई हूँ और मैं अभी घर जा रही हूँ। जैसे कोई लेने नहीं आया था, मैंने गुंजन को ऐसे रास्ते में फोन करके मना कर दिया कि तुम मत आओ, मैं खुद से चल जाऊंगी। बिकॉज गुंजन आती तो फिर पहले पहले जाना पड़ता, फिर गुंजन धूप में आएगी फिर जाएगी, तो मैंने उसको मना कर दिया और मैं खुद से टोटो पकड़ा, खुद से चल गई। मतलब प्रॉब्लम नहीं हुआ मेरे को, थोड़ा टोटो उठ जाए बट मैंने मैनेज कर लिया। सो अभी मैं घर जाती हूँ और जल्दी सारा काम ख़त्म करती हूँ, उसके बाद हाँ ये दिख दिए, फिर आप लोग से मिलती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे
गुंजन खाट, स्टॉप करो ना गुंजन। तो यहाँ पे चल रहा है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो गाइस आप लोग भी बताना कि कौन कौन तारक मेहता का उल्टा चश्मा अभी भी देखता है। गुंजन खाने वक्त देखती है, वैसे गुंजन पहले देखती नहीं थी, बिनी की वजह से गुंजन को आदत लग रहा है। बिनी हमेशा खाने वक्त तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखती है, तो ये भी देख रहे हैं। और मेरा खाना पीना होगा, मैं जिम से आती पहले खाने बैठ गई थी और यहाँ पर मम्मी खा ली, गुंजन खा ली, बिनी भी खा ली। अब मैं जाती हूँ स्नान करने, मतलब नहाने जा रही हूँ मैं, और रेडी हो जाती हूँ जल्दी डेट पे जाने के लिए, नहीं पढ़ाने के लिए, पढ़ा लेती हूँ उसके बाद हम लोग डेट पे जाएंगे, हम लोग मतलब मैं डेट पे जाऊँगी। ओके, जिम जाकर आ गए हम, मैं जिम गई थी, जिम जाकर आ गई हूँ। बिनी घर पे नहीं थी, नहीं पता उसको, तो मैंने जिम चली गई, बिकॉज कल तो मेरा छुट्टी था ना, तो आज मैं चल गई कि दो दिन छुट्टी ना हो जाए, तो चलते हैं नहाने अब। सो गाइस मेरा नहाना हो चुका है और मैं निकल चुकी हूँ, और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 4 बज गया है। तो अब मैं चलती हूँ पढ़ाने, बिकॉज मेरे स्टूडेंट्स भी आ गए हैं, उनके साथ मैं छत पे भी खेल रही थी, मैं खेल रही थी। एग्जाम के बाद पढ़ने आने में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। एक जन तो रो रहा था कि मैं नहीं जाऊंगा, एक वीक नहीं हुआ है, मिस ने कहा था एक वीक छुट्टी देगी। हाँ बोल रहे थे ना तुम, तो एक वीक हो गया ना, थर्सडे को लास्ट। हाँ कैसे गया रिजल्ट? अच्छा, रिजल्ट मामा भेजेगी मेरे को? भेजेगी। ओके, और तुम क्या होगे? तुम्हारा रिजल्ट कब है चिराग? तुम्हारा रिजल्ट कब है? नोटिस आएगा। खुशी का तो रिजल्ट निकल चुका है, उसका नया सेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, तुम्हारा रिजल्ट आएगा तो सबको दिखाऊंगी। मैं इन लोगों को पढ़ा लेती हूँ, उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ। जब मैं रेडी हो जाऊंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी मैं क्या पहन रही हूँ जाने के लिए, तो स्टे कनेक्टेड। और शायद दीदी के स्टूडेंट्स भी आ गए हैं, देखते हैं। दीदी के स्टूडेंट्स आ चुके हैं, दीदी के स्टूडेंट आ चुके हैं, तो मैं पढ़ाती हूँ। दीदी को बोल दियो ना, बोल दियो ना। ठीक है, तो मैं यहाँ पढ़ा लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं आप लोग। इसने मेरे 100 ब्लॉग्स पार कर गया, मतलब देखते देखते। मैं तो रोज़ देखते हैं मेरा ब्लॉग, और आजकल मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा था, नहीं देख रहे थे बच, अब मतलब इन लोग का एग्जाम खत्म हो गया तो मेरे ब्लॉग देख रहे हैं सारे। हो गया फुसफुसाना, हो गया फुसफुसाना। ये बात ये लड़का राम राम साड़े ने अभी लोगों का कुछ ऐसे कान में गपशप चल रहा है। क्या बोल रहे हो तुम लोग? ठीक है ठीक है, इतने तारीफ कर दो ना, तारीफ में एकदम बहुत ज़्यादा आगे ही हो जाते हैं। और इधर आओ, इधर आओ सब लोग, इधर आओ। सो आज बहुत टाइम बाद मैंने ब्लॉग बना रही, कैसा लग रहा है आप लोगों को? और ये मेरी कौन सी स्टूडेंट है, मैं बता रही हूँ, न्यू स्टूडेंट नहीं है, इधर इधर। तो ये मेरी कौन सी, ये लाइट बंद करो तो चिरा कर रहे ये। हाँ नहीं वो नहीं, वो नहीं, मेरा तो पूरा वीडियो भी कर देगा लड़का। ये वाला देखो, बीच वाला, बीच वाला, मिडिल वाला, मिडिल वाला, ये हाँ, नहीं उसके पास वाला। हाँ बंद कर दो बस। तो ये जब छोटी थी, स्कूल में नहीं पढ़ती थी ना तब तुम? नहीं स्कूल में नहीं पढ़ती थी तब, मैं इसको पढ़ाती थी। ठीक है, और तब से मतलब इसका जो बेसिक है वो मैंने सेट किया था। उसके बाद वहाँ फिर ये यहाँ पे नहीं रहती, अपनी नानी घर पे आती है, तब मेरे पास आती थी पढ़ने, और जब यहाँ से चल जाती है तो चल जाती है, वहाँ पे ट्यूशन पढ़ती है अपना। तो ये जब भी आती थी, मतलब जब भी आई थी इसके लास्ट, तब मैं इसको पढ़ाई थी। फिर बीच में जो गैप चला गया, जब आती थी नहीं पढ़ा पाती थी मैं, फॉर यू रीजन आपको पता है। और इस बार ये आई तो पढ़ने आई है। क्या बोले क्या बोले क्या बोले? नहीं आपके आपके पहले मैं आर्यन को पढ़ाती थी, याद है? आर्यन को पढ़ाते पढ़ाते फिर आपकी मम्मी ने कहा था कि वो चिराग भी पढ़ाओ। यहाँ पे डिस्कस चल रहा है कि पहला स्टूडेंट मैं हूँ, पहला स्टूडेंट मैं हूँ। नहीं मतलब मैं सेकंड हुआ, कुछ थर्ड, विदिशा फोर्थ। नहीं आती आपको? और भी स्टूडेंट्स हैं जिनको आप, जो आप मतलब जिनको आप नहीं जानते। आप लोग तो एक दूसरे को मतलब ये लोगों का फैमिली एक दूसरे से मतलब होता है ना कनेक्टेड है, तो ये लोग एक दूसरे को जानते हैं। और भी स्टूडेंट्स जो मतलब दूर रहते हैं तो वो लोग नहीं आ पाते। आर्यन मेरे स्कूल में पढ़ता है। हाँ अभी वो एडमिशन ले लिया, मुझे पता है। तो ये आद्या वही है जिसको मैं बचपन से पढ़ाती थी, और ये लड़की अब जब भी नानी घर आती है मेरे पास पढ़ने आती है, बिकॉज मम्मी बोलती है वंशिता आप इसका थोड़ा बेसिक स्ट्रॉन्ग कर दो, उसके बाद फिर मैं चल जाऊँगी। जो भी है, कब जा रही हो आप? 11th मार्च को चल जाओगे? यस। यही क्या खेल रहे हो?
किसका आई है? अक्षत ड्रैगन को दे दिया। लेकर आ गई हो? छुपा के लाई हो? दिया है इनको। दिया है, ठीक है। जो भी अब इनको मैं छुट्टी दूंगी, पढ़ाना लिखाना हो गया मेरा और मुझे जाना है अभी, तो मैं रेडी होने जा रही हूँ। सो गेट रेडी विथ मी, मैं नहीं करने वाली हूँ बिकॉज मेरे से वो नहीं हो पाता है, पर मैं चलती हूँ रेडी होने। सो गाइज, मैं रेडी हो चुकी हूँ, मेरा आउटफिट रेडी है और आज मेरे को मेरा बहुत पुराना जीन्स जो मेरे में नहीं हो रहा था एक्सीडेंट के बाद, मैं मोटी हो गई थी, आज मेरे में हो गया। मतलब मेरा डाइट, मेरा जिम काम आ रहा है और मुझे थोड़ा सा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, तो थोड़ा सा जो पेट थोड़ा सा दिख रहा है वो भी कम हो जाएगा और अच्छे से मतलब प्रॉपरली पहले की तरह सारे ड्रेस आने लगेंगे। तो मैं खुश हूँ, आज कपड़ा ट्राई किया। अच्छा, मन में आया कि कपड़ा ट्राई करके देखते हैं, तो ट्राई किया और मेरे में एकदम फिट आ रहा है। बाहर निकल के हुआ तो पूरा आउटफिट दिखाऊंगी और मैं किसके साथ जा रही हूँ, मतलब कौन है मेरा वो डेट पर्सन, मेरा वो स्पेशल पर्सन, वो मैं वहाँ चल के मिलूंगी, मतलब आप लोग मिलोगे उससे। तो लेट्स गो एंड आई एम एक्साइटेड उस पर्सन को दिखाने के लिए, तो चलते हैं। तो मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ और निकलने वाली हूँ, तो निकलते हैं और वहाँ पे एकदम पहुँच के आप लोग से मिलते हैं और मेरे डेट से मैं आप लोग को मिलवाती हूँ। सो गाइज, मैं डेट पे जा तो रही हूँ और जगह मैंने चूज़ किया, वैसे भी थोड़ा सा लाइटिंग प्रॉब्लम हो रहा है, जगह मैंने चूज़ किया है तो मेरे डेट को पसंद आएगा कि नहीं आएगा मुझे नहीं पता। तो ऐसे तो मैंने कुछ रेस्टोरेंट नहीं रखा है, थोड़ा सा अच्छा चिल प्लेस रखा है जहाँ पे थोड़े लोग रहेंगे, थोड़ा सा हम लोग का मूड बना रहेगा, माहौल अच्छा रहेगा। तो मेरे डेट को पसंद आएगा कि नहीं नहीं पता, बट देन ऑल्सो सी अच्छा जाए मेरा डेट। सो गाइज, आप लोग अब हंसना मत बिकॉज जो दूर जाओ, थोड़ा सा अपना आउटफिट दिखाओ पूरा। तो रेडी हो के आई हो मेरे साथ तुम? तुम्हारे साथ ही आए। गाइज, आप लोगों को मन में चल रहा है किसके साथ डेट पे जा रही है? मैं अपनी बहन के साथ जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि इसका एग्जाम खत्म हो गया है और इसको चाहिए था थोड़ा सा पैम्परिंग, तो हम लोग पेट पूजा करके पैम्परिंग करने वाले एक दूसरे को, मैं करने वाली इसको। और अगर मेरे को ये डेट पसंद नहीं आया तो हम लोग आगे बात नहीं करेगा, अगर पसंद आया तो हम इसे बहुत प्यार से रहेंगे। अच्छा, प्यार झगड़ा नहीं करेगी? अगर मतलब मैं इसका मन को खुश करूंगी तो ये प्यार से रहेगी मेरे साथ, अगर मन को खुश नहीं करूंगी तो ये नहीं प्यार से नहीं। जो भी हो, तो गुंजन आई है मेरे साथ एंड अच्छा लग रहा है, बहुत टाइम बाद ऐसे बाहर आके तो मैं ऐसे मेन्यू देख रही हूँ क्या लेना है हम लोग को। तो लेट्स सी कि मैं चूज़ करूँगी इसके लिए इसको पसंद आता है कि नहीं, बिकॉज मैं बड़ी हूँ इसलिए मैं चूज़ करने वाली हूँ। तो गाइज, ये बहुत नॉर्मली सा एक था कि मैं इसको डेट पर लाई हूँ बिकॉज बहन है। आप लोग सब प्रैंक प्रैंक नहीं बोलूँगी, बस नॉर्मल क्या क्या सोचे होंगे कि बड़ा कौन है, कौन लड़का है, कौन है। नहीं यार, बहुत लोगों का वो मैसेज आया था वर्ड में बॉयफ्रेंड 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 करके, तो मैंने सोचा कि यार चलो ज़रूरी नहीं है यार हमेशा बॉयफ्रेंड ही हो। यहाँ पे मेरी बहन है तो बहन के साथ भी कहीं खाने जा सकती, बहन के साथ भी डेट पे जा सकती हूँ, इंसान मम्मी मम्मी पापा के साथ जाते रहते हैं। तो कुछ ऑर्डर करते हैं एंड फिर दिखाते हैं क्या ऑर्डर कर रहे हैं। सो वी हैविंग चाय, तो ना गुंजन जाके वहाँ पे बोली कि दो चाय लगेगा, तो आंटी बोलती कि तो बोलती चाय लगेगा, तो बोलते कि चा, लेकिन हाँ तो बोलती है यार हिंदी भी तो उन लोगों को बोलना चाहिए, ऑल द टाइम बंगाली तो नहीं बोलना चाहिए। बात सही है यार, हम लोग जब बंगाली बोलते हैं तो इन लोगों ने तो हिंदी बोलना चाहिए, तो बहुत अच्छा अच्छा है, मतलब मेरे को अच्छा लगा। मेरे को डेट पे लाई है, मुझसे से काम करा रही है। कोई बात नहीं, होता है, छोटी बहन लोग होती है काम करने के लिए। दिस इज फ्राइड मोमो, टेस्टी है, एक बार इसमें लो। खाना पीना हो चुका है और कुछ कुछ फ्रेंड्स मिल गए थे तो उनके साथ बैठ के गप्पे लड़ाया और मेरे को बोर किया फिर मतलब तो मैं नेक्स्ट सेमेस्टर डेट पर नहीं आने वाली, सिर्फ खाने के टाइम आऊँगे। हाँ, बस खाने में आ गया ये तो बात ये है ना कि फ्रेंड्स लोग को ऐसे ब्लॉग में नहीं लिया बिकॉज सब लोग मतलब शाही होते हैं, सबको ऐसे लेना सही भी नहीं होता है। तो बातचीत किया और अच्छा लगा, अभी जा रहे घर
और घर चल के टोटो पकड़ते हैं, टोटो मिल जाए, बस 9 बज गया है, टोटो मिल जाए, चलते हैं घर, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं आराम से। गाइस हम लोग निकल के, इधर आओ ना कुछ, अब आएंगे तो मुझे डर लग रहा है। नहीं यार, तो हाथ पकड़ रहा है, आ जाओ, अभी क्या हुआ बता रही हूँ, आ जाओ। तो पता है क्या हुआ, थोड़ा सा लाइट आया तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, यहाँ पे कितना सुंदर लिखा है, ये मेरे को बहुत मस्त लगता है। अच्छा आई नहीं रहा है, आई रहा है उल्टा दिख रहा होगा आप लोगों को, उल्टा पढ़ना, उल्टा पेन पेपर निकाल के लिख के क्या लिखा है। तो अभी क्या हुआ ना, टोटो पे जिस टोटो पे लोग चल रहे हैं ना, तो टोटो ना बहुत ऊंचा है, मतलब जो पैर रखने का जगह होता है ई रिक्शा, वो बहुत ऊंचा है, तो मैं पैर रखने गई ना तो मेरा पैर ऐसे डाउन हो गया, मतलब मैं चढ़ नहीं पा रही थी, वो उसका जो नी था वो मुड़ गया, मतलब तो किसी ने हेल्प किया हम लोग को, उसने ऐसे ये दिख दिया जावे आपने हेल्प किया और गिरते हुए मुझे संभाल लिया। ठीक है, तो मैं घर चलती हूँ, घर चल के आप लोग से बात करती हूँ और आप लोग को पूरा एक्सपीरियंस बताती हूँ कि कैसा लगा आज मेरा दिन, कैसा मैं बताऊंगी एक्सपीरियंस मेरे साथ डेट था। इसके बाद तो मैं घूमने निकली हूँ बस और कुछ नहीं। ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन। हाउ आर लुकिंग, एकदम शक्ल मतलब उतर गया है अभी ना, मैंने इसे पसीना नहीं ऑयल लगाया, मतलब एग्जाम खत्म हुआ है ना तो कोई काम नहीं है बेचारी के पास, कोई भी काम नहीं है बेचारी के पास, बेचारी जो मन सो मन किए जा रही है, जो मन वो मन, नॉट सो मन, करेक्ट करना जरूरी होता है। पता है मैं भूल ही गई ब्लॉग को एंड करना, तो घर आई और फिर मैं दीदी को बता, गुंजन बता रही थी बैठ के कि हम लोग क्या क्या खाए और क्या क्या किए, इधर उधर क्या क्या बात कर रहे थे बैठ के हम लोग, कैसा लगा वैसे? अच्छा लगा, और आते टाइम मेरे को अपना सारा बचपन का कांड बता कांड इन द सेंस कि हम लोग, मतलब मैं जिस रास्ते से जा रही थी ना उसी रास्ते में मेरा स्कूल पड़ता है, जिस स्कूल में मैं पढ़ी हूँ, मतलब मैं सब लोग पढ़े, तो गुंजन में से बता रही थी कि यहाँ पे हम लोग ऐसे ये खाते थे, यहाँ पे वो करते थे, मतलब गुंजन को सब कहानी बैठ के बता रही थी। 15-20 मिनट का रास्ता था घर आने का और काकू बहुत आस्ते चला रहे थे, तो उन पर आराम आराम से बात कर रहे थे और बहुत मज़ा आ रहा था हम लोग को। और सच बताऊँ भले ये बस एक नाम का था कि मैं गुंजन को डेट पे लेके जा रही हूँ, मतलब मेन था कि गुंजन का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है तो मैं भी बहुत टाइम से कहीं खाने नहीं गई हूँ, और गुंजन इन द मतलब मेरी क्राइम पार्टनर है ऐसे घर पे कि मेरे साथ गुंजन ऑल द टाइम रहती है, क्योंकि दीदी काम मतलब इधर उधर काम पे रहती है, मम्मी अपना काम पे रहती है, पापा अपने काम पे रहते हैं, और तो गुंजन मुझे मिलती थी, बट गुंजन का एग्ज़ाम था तो मैं एकदम से बोर हो रही थी, मैं कोई व्लॉग नहीं बना पा रही थी, तो गुंजन इज़ फ्री और मेरा व्लॉग इज़ फ्री, मतलब मतलब व्लॉग आएगा अब और मेरे साथ आएगा, ये मेन बात है। हाँ मतलब कोई होना चाहिए, मैं अकेले क्या बकबकाऊँ मैं। तो अब वैसे बताओ कैसा गया तुम्हारा आज का दिन? ओके, दिन तो अच्छा गया, सच बताओ, जेन्युइन बताओ, जेन्युइन बता रही हूँ। शुरू में तो मैं कोई बहुत बोर कर रही थी, ठीक है, बस वो अपना फोन चला रही है, फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स भी मिले और फिर हम लोग फिर और पैदल चल के थोड़ा सा मोमो खाए, मजा आया, बट खाना पीना खाने में मेरे को बहुत, चाय वाज, हाँ चाय स्पेशली चाय से ज्यादा अच्छा लगा था ना, कि वो गर्म गर्म चाय जो वो बाहर में डाल रहा था मिट्टी के बाहर, उसका टच बहुत अच्छा। अब हम तुमको एक और जगह चाय पिलाएंगे, बट उधर हम लोग टोटो या किसी चीज़ से नहीं जा सकते हैं, किसी जा सकते हैं कार या फिर बाइक ये सब चीज़ों से जा सकते हैं, वो मतलब थोड़ा सा हाईवे की तरफ में है ना, तो कभी अगर जिंदगी में हम लोग एक साथ गए कभी गए तो मैं तुमको वहाँ का चाय पिलाऊंगा, मलाई चाय, मलाई, अच्छा जगह बस मुझे पता है, तुमको किसी और को नहीं पता, रेस्टोरेंट का नाम बता दो। रेस्टोरेंट नहीं तो पता है, चाय ना रेस्टोरेंट वगैरह में बिल्कुल अच्छा नहीं मिलता है, रास्ते का जो चाय होता है उससे मतलब रेस्टोरेंट के चाय से अच्छा रास्ते वाला चाय होते हैं, वो ढाबा वाला चाय जो होता है, तो वो मलाई चाय जो अंकल बनाते हैं ना बहुत टेस्टी बनाते हैं, ऊपर ऊपर मलाई डाल के, और दूध का चाय बहुत मस्त बनता है। ऐसे मैं घर पे चाय पर्सन हूँ नहीं, बट इधर उधर का चाय पीती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है पीने में। तो बस हम लोग का डेट इज ओवर, एंड हाउ वाज, मतलब आप लोग कैसा लगे ब्लॉग देखकर आप लोग जरूर बताना, आप लोग कैसा लगा जब आप लोग को बेवकूफ बनाया जा रहा था,
बेवकूफ नहीं बना रही थी, इट वाज लाइक यार मैं डेट पे जा रही हूं, सब लोगों को ये लगेगा कि यार इसके साथ डेट पे जा रही, बट एट द बट ये चीज तो ऐसा था व्हाट देखो इन चीज से एक चीज पता चलना चाहिए, आप लोग को अपने फैमिली मेंबर को भी ऐसे स्पेशल फील कराना चाहिए, सब सच में बता रही हूँ, जरूरी नहीं यार कोई मतलब कहीं दोस्तों के साथ ही जाएंगे तो या फिर जरूरी नहीं कोई गर्लफ्रेंड हो तो ही आप डेट पे जा सकते हैं, बहन को भी लेके जाओगे तो आपको वही बहन मम्मी पापा ये लोग को भी आप लोग को लेके जाना चाहिए, इन लोग को स्पेशल फील कराना चाहिए, तो जो छोटी छोटी खुशी होती है ना वो अच्छा मतलब अच्छा लगता है उन चीजों से, तो ऑल द टाइम बस दोस्तों के साथ जाएंगे बॉयफ्रेंड के साथ जाएंगे जरूरी नहीं है, मेरी बहन है इसको लेकर गया ना इसलिए नहीं करनी चाहिए तो ठीक है इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, एंड आई होप इस ब्लॉग को आप लोग बहुत प्यार दोगे और प्यार देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल, चलो बाय एवरीवन एंड गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट।